आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा। आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश सुनो वो मनिया के साथ। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज्यादातर उपयोग के कारण लोगों में मायोपिया का जोखिम बढ़ता है। अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं या हाल ही में पेरेंट्स बने हैं, तो अपने बच्चों को इस समस्या से बचाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इन दिनों दृष्टि दोष, खास तौर पर मायोपिया के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ महीने पहले एम्स के एक अध्ययन में ये पता चला था कि भारत में स्कूल जाने वाले 13% से ज़्यादा बच्चे मायोपिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़्यादातर उपयोग के कारण पिछले कई दशकों में ये संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए खान पान से लेकर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें एक कारण जेनेटिक भी होता है। वैसे विशेषज्ञ जो है वो ये बताते हैं कि अगर बच्चे के माता पिता को मायोपिया है या वो मायोपिक पेरेंट्स हैं, तो उन्हें बच्चों की आँखों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके लिए चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय। वैसे आंखों की सुरक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए इन दिनों ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक मनाया जा रहा है। 1 से 7 अप्रैल तक दोनों को ब्लाइंडनेस और उनके उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए ये खास अभियान चलाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि शुरुआती मायोपिया बहुत कम उम्र में प्रकट होता है। आमतौर पर ये किशोरावस्था के दौरान तेजी से बढ़ता है। उम्र के 20वें दशक की शुरुआत में आई पावर स्थिर हो जाती है। इस दौरान आईबॉल का बढ़ना बंद हो जाता है। हालांकि मायोपिया किसी भी बच्चे को हो सकता है, लेकिन जिन माता पिता की आंखों पर ऑलरेडी चश्मा चढ़ा हुआ है, उनके बच्चों की आंखों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जिन बच्चों के पेरेंट्स को मायोपिया है, उनसे ये बच्चों में आ सकता है। ऐसे 40 जीन्स हैं जो आंखों के विकास और आकार को प्रभावित करते हैं। इसके कारण शॉर्ट साइटेडनेस या फिर निकट दृष्टि दोष हो सकता है। माता पिता में किसी भी एक को अगर मायोपिया है, तो बच्चों में ये स्थिति विकसित होने की संभावना 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर माता पिता दोनों को मायोपिया है, तो ये जोखिम 3 गुना बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि जो मायोपिक पेरेंट्स हैं, वो ध्यान कैसे रखें? मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना है? सबसे पहले है रिफ्रैक्टिव इवैल्यूएशन। अगर माता पिता को मायोपिया है, तो स्कूल शुरू करने से पहले हर एक बच्चे का रिफ्रैक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट होना चाहिए। इसमें आंखों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो एक मास्क जैसे उपकरण या फोरोप्टर जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से देखने के लिए कहते हैं, जिसमें पहिए जैसा कुछ लगा होता है। इसमें अलग अलग पावर के लेंसेज लगे होते हैं, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कौन सा कॉम्बिनेशन शार्प साइट देता है। फिर आई केयर बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स को मायोपिया है, तो बच्चों की आंखों का चेकअप ज़रूर कराइए। अगर बच्चे की दृष्टि धुंधली है और उसे चश्मा लग गया है, तो माता पिता को जोर देना चाहिए कि बच्चा चश्मे को पूरे दिन पहने रहे। नहीं पहनने पर आंखों को और ज़्यादा ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। फिर आता है स्क्रीन टाइमिंग। जीन की मौजूदगी की वजह से बच्चों के लेंस का पावर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस पर सबसे बुरा प्रभाव स्क्रीन का पड़ता है। इसीलिए स्क्रीन देखने या गैजेट्स का इस्तेमाल करने में लगने वाले समय को कम करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो स्टडीज़ है वो ये बताती है कि कार्य बढ़िया रोशनी में सही सेटिंग पोस्चर के साथ करना चाहिए। यानी आप जब अच्छी लाइट में काम करेंगे, तो ज़्यादा आराम होगा। किसी भी सामान को बच्चे से लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखें। फिर फिज़िकल एक्टिविटी और योगासन, ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को अगर चश्मा चढ़ा हुआ है, तो वो बाहरी गतिविधियाँ करवाना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से ध्यान रखिए 6 से 11 बजे के बीच या सुबह 4 से 6 बजे के बीच में धूप में उसे रहना चाहिए। इससे उसे विटामिन डी और विटामिन ए मिलेगा। तेज़ धूप में बैठने को कहिए। आमतौर पर जो हल्की गर्मियाँ होती हैं, और उसमें उसके साथ पत्तेदार सब्जियों को उसके स्वास्थ्य आहार में शामिल करिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप फल भी दे सकती हैं। अगर बच्चे को मायोपिया है, तो उसके कारण लेंस पावर ना बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि रोग विशेषज्ञ की क्लिनिक में नियमित रिफ्रैक्टिव और एक्साइल लेंथ इवैल्यूएशंस का मूल्यांकन कराना ज़रूरी है।
माता पिता को बच्चों को साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हालांकि ये एक बार मैंने बहुत मिनिमम बताया है, आपको मैक्सिमम काफ़ी टाइम जितनी बार भी आप ले जा सके 2-3-4 महीने में आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आंखों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उनकी केयर की जाए। इसीलिए अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चों में अगर मायोपिया है भी तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे सुनो वुमनिया के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।